जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और वो भी बहुत ही कॉमन सैंडविच। जब कभी हमें कुछ भी समझ में नहीं आता उस समय हम ये सैंडविच ही बनाते हैं, लेकिन सैंडविच को मैं थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से बनाने वाली हूँ जिससे ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाता है। ये रेसिपी और तरीका अगर आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। कुछ नए तरीके का और बहुत ही टेस्टी पनीर टिक्का सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, 1/2 टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्चें, आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा और जीरे को मैंने कच्चा ही पीसा है, 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 नींबू का रस, सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 बाउल मैंने ले लिया है बंधा हुआ दही, वो भी डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। सब चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और उसके बाद मैंने लिया है 1 छोटे साइज का शिमला मिर्च, वो भी डाल देते हैं, साथ ही ले लिया है 1 छोटे साइज का प्याज, इसे जिस तरीके से रफली काट लिया है, 1 छोटे साइज का टमाटर, वो भी डाल देते हैं, साथ ही लिया है 200 ग्राम पनीर जिसे इस तरीके से क्यूब्स में डाल काट लिया है, 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन, कटा हुआ हरा धनिया, 4-5 कलियां लहसुन की और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, वो भी डाल देते हैं और इन सब चीजों को हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। और ये सब चीजें आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इसके बाद गैस ऑन करके उसके ऊपर एक पैन रख दिया है और पैन में डाल देंगे 1 टेबल स्पून जितना बटर, साथ ही डाल देंगे ये पनीर जिसे हमने मैरिनेट करके रखा है, उसके बाद 1-2 बार हल्के से पलटते हुए हम इसे करीब 8 से 7 मिनट तक पका लेंगे। पैन का ढक्कन लगा देंगे। पनीर को पकते हुए करीब 8 से 7 मिनट हो चुके हैं और देखिए सारी चीजें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। शिमला मिर्च और प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, अब बस उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हम पनीर टिक्का सैंडविच बनाने वाले हैं और उसके लिए मैंने लिए हैं ये ब्राउन ब्रेड, आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड का यूज भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये जो ब्रेड लिए हैं इन पर थोड़ा थोड़ा सा बटर अप्लाई कर लेंगे। और ब्रेडों पर बटर अप्लाई करने के बाद मैंने लिए है ये हरे धनिया की चटनी, थोड़ी थोड़ी सी ये भी लगा लेते हैं। सब पर चटनी भी लगा ली है और अब बारी है स्टफिंग लगाने की। ये जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी थी ये भी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, उसके बाद हम इसे भी लगा देंगे और अच्छे से स्टफिंग रखने के बाद में मैंने लिया है ये चीज, मैंने अमूल का चीज यूज किया है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो चीज स्लाइस का यूज कर सकते हैं और बस उसके बाद हम इस पे चीज इस तरीके से ग्रेट कर देंगे। दूसरी ब्रेड स्लाइस से कवर कर देंगे, हल्के से प्रेस करते जाएंगे। आप इन सैंडविच को चाहे तो तवे पर सेक सकते हैं, सैंडविच मेकर में सेक सकते हैं और चाहे आप इसे ग्रिल में सेक सकते हैं। हल्का सा बटर ऊपर से भी अप्लाई कर देते हैं। मैं इसे ग्रिल पैन में सेकने वाली हूँ और उसके लिए मैंने इसे गर्म होने के लिए रख दिया है।
और जैसे ही ग्रिल पैन हल्का सा गर्म होता है, जिस साइड हमने बटर लगाया था उस साइड से हम इसमें रख देंगे। थोड़ा सा बटर ऊपर भी लगा देते हैं और इसे एक मिनट तक एक तरफ से इसी तरीके से सिकने देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो। एक मिनट हो चुका है और जो ब्रेड था वो दूसरी तरफ से अच्छा सा सिक चुका है। बस इसे टर्न कर देते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और एक मिनट तक दूसरी तरफ से भी सिकने देते हैं। दूसरी तरफ से भी सैंडविच करीब एक मिनट तक सिक चुका है और अब इसे उतार लेते हैं और सेम प्रोसेस से बाकी के सैंडविच सेक लेंगे। बटर लगाया, ग्रिल पैन पर प्लेस कर दिया, एक मिनट तक सिकने देते हैं। दूसरी तरफ भी हल्का सा बटर लगा देते हैं। एक मिनट हो गया है और सैंडविच एक तरफ से अच्छा सिक चुका है, टर्न कर देते हैं। हल्के से प्रेस कर देते हैं। एक मिनट हो चुका है, सैंडविच दूसरी तरफ से भी अच्छा सिक चुका है। बहुत ही टेस्टी और देखने में भी बहुत ही अच्छे हमारे ये पनीर टिक्का सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। हरे धनिया की चटनी और टमाटर सॉस के साथ इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि बच्चों को पसंद आने वाली इसमें सारी चीजें हैं। और रेसिपी अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। थोड़े से नए पर बहुत ही झटपट बनी हुई इस सैंडविच की रेसिपी अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। थैंक यू। Thank you.